नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पवई, पन्ना जिले का पवई स्थित लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह राजनीतिक दलों की बैठकों एवं नेताओं की गमा चौकड़ी का अड्डा बना हुआ है। नेताओं की धौस के कारण सरकारी इमारतों के दुरुपयोग का दुष्परिणाम आज सामने आ ही गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के 11 महीने शेष रह गए हैं। राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। पन्ना जिले के पवई विश्राम गृह में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कांग्रेस की एक बैठक में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा कि दलित आदिवासियों एवं अल्पसंख्यक एवं संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। उक्त वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो भाजपाइयों सहित प्रशासन में हड़कंप मच गया और लोक निर्माण विभाग की शिकायत पर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं आज 1 बजे भाजपा जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया पवई पहुंचे और पुलिस थाना पहुंचकर कांग्रेसियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदा साई कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की जीत होती है, वो पराजय ना होती है, वो नेता की खुद पराजय होती है। कार्यकर्ता कभी युद्ध नहीं हारता, सेनापति युद्ध हारता है। और सेनापति यदि युद्ध से हारने का आरोप PWD के इंजीनियर के द्वारा हमारे अवैध थाने में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और उस संबंध में एक राजनीतिक व्यक्ति जिनका नाम राजा पटेरिया बताया जा रहा है उनके विरुद्ध हवाई थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है और उस प्रकरण को दर्ज करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। से खबर समय जगत के लिए सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।